एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला है। और किसी का भी कोई पुरानी एक्सरसाइजेस का कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी, यानी कि जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। तो ऑन 0, इन्फिनिटी, और यहां पर दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि एक्स 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता और एक्स इंफिनिटी के इक्वल तो खैर कभी हो ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसको इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब लॉग एक्स का डिफरेंशियल हम करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x। अब 0 से बड़ी बड़ी आप वैल्यू लेते चले जाइए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, इन्फिनिटी। मैं 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू लेता चला जाऊंगा तो मेरा जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा ही आएगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑलवेज, कुछ भी वैल्यू लो आप 0 से बड़ी, 0 से बड़ी वैल्यू 1 तो 1/1, वो भी आपका पॉजिटिव है। 1 से भी बड़ी वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 6 कुछ भी लीजिए, तो 1/6, 1/7, 1/1000 कुछ भी लो आप वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो आएगी तो पॉजिटिव ही ना। और एफ डैश एक्स जब हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोल देते हैं। तो ये इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स की वैल्यू छोटी 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 आती जाएगी और बहुत छोटी आएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन आएगी पॉजिटिव। तो मुझे बस पॉजिटिव से मतलब है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक, देयरफॉर हाँ, इसी चैप्टर इसी एक्सरसाइज का 19 अभी बताते हैं। इन्फिनिटी पे ये 0 होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी के बराबर हम जा ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको बोला इन्होंने कि 0, इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता x, ठीक है। तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी, ये इसमें इंक्रीजिंग इंक्रीज ही करता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 12, अभी बता रहा हूं 19 पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। 0, π/2, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में चार पार्ट्स दे रखे हैं, पहले ए पार्ट देखेंगे, तो जो भी है वो चारों पार्ट्स मेरे को ना फंक्शन दे रखे हैं। तो ए पार्ट में एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स, तो यहीं के यहीं आप एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, कॉस टू एक्स, मतलब एफ एक्स क्या है, कॉस टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल तो हो जाएगा माइनस साइन, और टू एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो टू आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस टू साइन टू एक्स। फिर सी पार्ट जो फंक्शन है वो क्या दिया है, कॉस थ्री एक्स, तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। भाई कॉस थ्री एक्स का डिफरेंशियल हो गया साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का फर्दर डिफरेंशियल हो जाएगा थ्री, माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। डी पार्ट देखिए, टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स। अब वो पूछ रहे हैं कि 0 से π/2, बल्कि इधर ही कर देता हूं मैं इसको,
ये एमसीक्यू है, मेरे को कोई स्टेप बाय स्टेप करके तो दिखाना नहीं है, इधर ही देखिएगा कि यहां पर ये पूछ रहे हैं कि 0 से π/2 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। तो 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बोलिए, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन्होंने पूछा है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा इसका आंसर हो सकता है, तो इसका मतलब एक तो ये डिक्रीजिंग है 0, π/0, π/2 में। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं -2sin2x की। -2sin2x, तो अब x जो है वो तो 0 से π/2 के बीच में रहेगा, ये तो ए पार्ट का हुआ। बी पार्ट का बेटा अलग से करता हूं मैं, बी पार्ट का देखिएगा, बी पार्ट में एफ डैश एक्स क्या आया, -2sin2x। -2sin2x गिवन, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। अच्छा, मेरी बुक में पता नहीं मिस प्रिंट है क्या है, 0, π/2 लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा रखा, दिखाएंगे आपके में भी यही है, सब में यही है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा रखा। तो देखिए, हो सकता है कि स्क्वायर ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि 0 और π/2 इंक्लूड होगा। मैं कहता हूँ कि चलिए कोई स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं है, 0 और π/2 के बीच की ही वैल्यू लेनी है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। तो हम ये कहेंगे जब एक्स 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2x कहां से कहां तक लाई करेगा, थ्रू आउट आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 2, फिर x में भी 2 मल्टीप्लाई करो 2 × x, फिर π/2 में भी 2 मल्टीप्लाई करो 2 × π/2। ये x की रेंज दे रखी थी ना क्वेश्चन में, लेकिन मेरे पास अब क्या है, sin 2x, तो 2x की रेंज क्या होगी, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2x विल लाई बिटवीन 0 एंड π। ठीक है, अब हमारा जो साइन के आगे वाला एंगल है वो 0 और π के बीच में लाई कर रहा है, जब ये 0 और π के बीच में लाई करेगा, तो 0 और π के बीच में हमारे दो क्वाड्रेंट्स पड़ते हैं, 0, π/2 और π। तो यहां पर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पड़ेगा और सेकंड भी पड़ेगा, यहां पर तो साइन पॉजिटिव होता है और यहां पर साइन नेगेटिव होता है, तो बी पार्ट में मैं कह नहीं सकता कि ये कहाँ डिक्रीज करेगा और कहाँ इंक्रीज करेगा। क्यों? अरे हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक, पॉजिटिव होगा दोनों में ही, हमारा साइन पॉजिटिव होगा दोनों में ही, साइन भाई यहाँ पर ऑल पॉजिटिव और यहाँ पर साइन पॉजिटिव, तो दोनों में पॉजिटिव होगा। जब दोनों में पॉजिटिव होगा तो यहाँ लिखिए sin 2x इज ग्रेटर देन 0 और 2x लाइंग बिटवीन 0 एंड π। 0 और π के बीच में हमारा साइन यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी, तो मतलब थ्रू आउट साइन हमारा पॉजिटिव रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -2, देयरफोर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो यहां पर भी ये वाला जो फंक्शन है बी वाला, ये भी डिक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, हमारा ए पार्ट जो है कॉस एक्स जो दे रखा था, वो भी 0 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है, cos 2x भी 0 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है। अब बात करते हैं cos 3x की, तो इसके लिए एफ डैश एक्स क्या था देखिएगा, -3sin3x। हम फिर वही बात करेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऐसे वाला, कैसे वाला, स्क्वायर, ये वाला, तो एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5/2, तो अब थ्रू आउट आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, मौसम तो ठीक है वैसे आजकल,
ओवर चार्जिंग हो गई। हाँ मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम तो पहले स्पेक्स लगाते थे, कहाँ गया चश्मा? टूट गया फिर उसके बिना साफ दिखाई दे रहा है? वो उसमें यही दिखाया था, फिल्म में भी यही दिखाया था, कोई मिल गया हमें ना, जब ज्यादा चार्जिंग हो जाती थी ना। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। चलिए हमने कहा कि 3 × 0 क्या हो गया, 0, और ये 3x और ये 3π/2। इसको छोड़ दो, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 3x जो है वो 0 से 3π/2 के बीच में लाई करेगा, तो 0 से π तक तो वो हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा, और फिर π से π 3π/2 के बीच में इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस पूरे के बीच में हम ये नहीं कह सकते कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, तो इसको छोड़ दीजिए, यहां पर मैं कुछ कह नहीं सकता। समझ गए कि नहीं, बताओ? छोड़ दूं इसको, ये वाला तो समझ में आ गया, डी पार्ट और देख लो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? मन्नत, श्रुति, वंशिका, अनुवा, यस सर, यस सर, यस सर, कनिका, ओके, ईशान, यस सर, यस सर, चलिए ठीक है। डी पार्ट देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स लाई करेगा 0 से π/2 के बीच में। खैर अब मुझे वो कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। सेक एक्स क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और है क्या सेक स्क्वायर एक्स? नेगेटिव है तो भी उसका स्क्वायर क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, सो इट इज इंक्रीजिंग। हमारा इसका आंसर ना ए और बी है, ए और बी फंक्शन 0 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग रहेंगे, बाकी जो सी है उसके बारे में कांट से, क्योंकि उसमें डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, और जो डी है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। समझ गए, चले आगे। हाँ अब आगे देखते हैं, अगला आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखता हूं मैं। फोर्टीन है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, इन्होंने बोला कि ये वाला फंक्शन जो है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन गिवन बाई दिस, ये वाला फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2 ऑन 1, 2 इंक्रीजिंग। हाँ नहीं सर, ओपन है तुम्हारे में? मेरे में तो क्लोज दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट है। चलिए देखते हैं, मेरे हिसाब से फिर क्लोज दे रखा तो क्लोज दे कर चलो। ओपन, ओपन में क्या लेंगे, 1 और 2 के? अरे स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है ना आपकी बुक में, मेरी में ये दे रखा है, सर मेरी में भी यही दे रखा है। तो देखते हैं जरा करना क्या है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, और हो सकता है इनसे कोई फर्क ही ना पड़े, अभी देखते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2x प्लस ए, ये हो गया। अब उन्होंने बोला है कि ए की क्या वैल्यू, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए
ये जो आपका फंक्शन है ना एफ एक्स, ये इंक्रीजिंग हो, है ना, तो हम ये कहेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो यानी कि 2x+a शुड बी ग्रेटर देन जीरो, 2x+a शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अब ये कहेंगे कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी x की, 1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2। तो हम ये कहेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 2 × 1 + a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। एक तो ये हो गया, a -2 से बड़ा होना चाहिए। आगे देखते हैं, फॉर x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 2, और x इज इक्वल टू 2, 2 × 2 + a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन -4, तो a -2 से बड़ा होना चाहिए और a -4 से बड़ा होना चाहिए, ये आ रहा है यहां पर। इससे क्या समझ में आता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो क्या है, अगर a -4 से बड़ा होगा तो वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, क्योंकि -4 से बड़ा तो -3 भी होता है, लेकिन -3 जो है वो -2 से छोटा होता है, नहीं समझे। तो अगर मैं कहूंगा कि a -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो वो -4 से तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। और इन क्वेश्चनों को ना ऐसी सोच कर मत करना, क्योंकि नेगेटिव में जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप यहां पर मेंशन करें -4, यहां पर मेंशन करें -2, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, तो जो -2 से बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली -4 से तो बड़ा हो ही जाएगा, तो -2 से बड़ा बड़ा वाला जो है वो हम ले लेंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2, तो हम ये कहेंगे ए क्या, तो -3 का मुझे करना भी नहीं है कुछ भाई, -2 से बड़ा बड़ा लेना है मुझे, a की वैल्यू -2 से बड़ी बड़ी लेनी है, फिर आप x की वैल्यू 1 और 2 के बीच की कितनी भी वैल्यू लेते चले जाओ, आप x की, जो हमारा f डैश x है वो 0 से बड़ा ही आएगा, आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, मान लो मैंने 1 और 2 के बीच की वैल्यू 1.5 ले ली, तो 2 × 1.5 क्या हो गया, 3, और a को मुझे लेना -2 से बड़ा, तो आपने क्या ले लिया, -2 से बड़ा -1 ले लो चलो, है ना, तो 3 − 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, वो भी ग्रेटर देन 0, तो मुझे बस ए की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू तो उन्होंने बता दी कि वो तो 1 और 2 के बीच में ही आपको लेना है, ठीक है, तो ए -2 से बड़ा होना चाहिए और ए -4 से भी बड़ा होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ए -4 4 से बड़ा है, तो -4 से बड़ा तो -3 भी होगा, है ना, लेकिन फिर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि ए ग्रेटर देन -2, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो इससे छोटा हो जाएगा -2 से, समझ गए मेरी बात, ठीक है, देयरफोर ए शुड बी ग्रेटर देन -2, आंसर देख लीजिए पीछे यही है, देख तो दो, वैसे ही बोल दिया, चलिए ठीक है। हाँ, अगर ओपन ब्रैकेट होता तो भी हमें क्या करना होता, तो भी यही करना होता, तो भी यही करना होता, ओपन ब्रैकेट में क्या करता कि मैं x इज इक्वल टू 1 तो नहीं ले सकता था, तो मैं 1 से मामूली सी छोटी कोई वैल्यू ले लेता, 0.9 ले लेता, ठीक है, तो तब भी हम 1 ही ले लेते उसको, तब भी हम 1 ही ले लेते कि भाई ये 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 0.9 के लिए तो कर ही जाएगा सेटिस्फाई, तो इसीलिए अगर स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है या स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है, उससे इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए मेरी बात। तो अगर हमने स्क्वायर के लिए सॉल्व कर दिया ना, तो स्मॉल ब्रैकेट के लिए तो वो कर ही जाएगा, वो सी चीज सेटिस्फाई कर ही जाएगी, क्योंकि वो 1 और 2 के लिए कर रही है, तो उनके बीच वाली वैल्यू के लिए तो करेगी ही करेगी, जब हमने कॉर्नर वैल्यू उसके लिए ले लिया तो। अच्छा, और कौन सा कोई और भी है, अच्छा तुम्हारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में है द इंटरवल इन विच वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -x,
एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, तो चार इंटरवल्स दे रखे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कौन से इंटरवल में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंक्रीज करेगा। तो जैसे हम ये कहते हैं ना कि 22 अपॉन 7 एक पाई की वैल्यू होती है, 22 अपॉन 7 ये बोल देते हैं हम, तो ये वैल्यू भी जो होती है 22 अपॉन 7 ये भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ये भी समझाने के लिए बता दिया जाता है। आगे जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंचोगे तो ये कहा जाएगा आपको कि पाई की कोई वैल्यू नहीं लेनी, पाई को पाई ही रखना है, क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो इरेशनल नंबर में आपने ये देखा था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये जो होते हैं नंबर इस तरह के, कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसको हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, और हमने करा भी है, ठीक है, याद है करा था ना। तो अभी तक तो आपने ये पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। आगे आप ग्रेजुएशन में ये देखेंगे कि जो पाई होता है ना, पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर्स को अगर पाई में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल्स, जैसे 1 इंटू पाई क्या हो गया 1 पाई, 2 इंटू पाई क्या हो गया 2 पाई, 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई, तो ये इंटीजर्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब इंटीजर्स है, इसको पाई में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सारे के सारे कहलाते हैं 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सब कहलाते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं सारे के सारे इरेशनल होते हैं, और दुनिया में दो ही तरीके के नंबर इरेशनल होते हैं, या तो अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो वो आपका इरेशनल होता है। इसी तरीके से इसीलिए ये कहा जाता है कि पाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 22 अपॉन 7 हो गया, तो 22 अपॉन 7 का मतलब क्या है, ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर तो इरेशनल हो गया भाई, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। मैं कह रहा हूँ कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, और आप तभी ये कहोगे कि नहीं सर पाई तो 22 अपॉन 7 होता है, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल कहां से हो गया। तो 22 अपॉन 7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई जाती है पाई की कैलकुलेशन करने के लिए बचपन वाले लेवल पर, धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो बता दिया जाएगा जो पाई है वो भी इरेशनल है। इसी तरीके से जो ये स्मॉल ई है इसको एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म की भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसकी एक वैल्यू होती है, आपको ये भी अभी नहीं बताया गया होगा कि ई की भी कुछ वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लाई करती है ई की वैल्यू होती है वो, तो इसका मतलब क्या है कि ई एक पॉजिटिव नंबर है, ई कोई एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैं अब आगे चलता हूँ, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि जैसे वाई है तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है ये बताना है। तो जरा देखते हैं, इसका सबसे पहले मैं डीवाई बाई डी एक्स निकालूंगा, तो डीवाई बाई डी एक्स निकालने से पहले एक काम करते हैं, पहले ये जो e की पावर माइनस एक्स है ना, पहले इसका इलाज करो, इसको नीचे ले जाओ, ये e की पावर प्लस एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आ गया तो ये हो गया e की पावर x। अब एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, तो क्वेश्चन रूल लगा के मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स क्वेश्चन रूल में क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, तो e की पावर x का तो हो गया होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है, ये करने के बाद में अब देखो ये हो गया dy by dx is equal to e की पावर x
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा अगेन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो एक ई की पावर एक्स से एक ई की पावर एक्स कट गया। तो अब मैं ये कहूंगा कि ये जो ई की पावर एक्स है, अब मेरे पास ये आ गया dy by dx is equal to टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है। अब ना नीचे कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग कहां कहां पर होगा। तो आप ये देखो, जैसे ये e की पावर x है तो e की पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, कुछ भी हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। कैसे, ये वन और टू के बीच की कोई वैल्यू है, मान लीजिए 1.5 है ना, 1.5 की वैल्यू, 1.5 की जो पावर है वो पावर में आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी, किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में आप कोई पॉजिटिव नंबर लोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल ही तो होगा, साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं भाई। अगर मान लीजिए मैं 2 बोल देता हूँ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। फिर हम कह देते हैं 2 की पावर माइनस 2 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, 1/4 भाई, 1/2 की पावर 2, 1/4, 1/4 ही तो हुआ। तो यानी कि वैल्यू हमारी जो है वो 1 से छोटी आ गई, 1 से छोटी आ गई, 1/4 क्या होता है 0.25, लेकिन रही तो पॉजिटिव ही। तो ये जो e की पावर x है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो dy by dx का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना केवल और केवल न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर हम यहां कहेंगे कि e की पावर x, यहां आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि सिंस ई हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, सो ई की पावर एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। याद रखना, किसी भी पॉजिटिव नंबर की आप पॉजिटिव पावर करो या नेगेटिव पावर करो या जीरो कर दो पावर में, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सो dy by dx इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही भाई। ओवरऑल डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो, नीचे वाला भी पॉजिटिव हो, या जब ऊपर वाला भी नेगेटिव हो, नीचे वाला भी नेगेटिव हो। हम नीचे वाला तो नेगेटिव होने से रहा, नीचे वाला तो फिक्स हो गया कि भाई मैं तो पॉजिटिव ही रहूंगा, तो इसका मतलब ऊपर वाले को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी हमारा डीवाई बाई डी एक्स जो है ओवरऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि ये तो तभी हो सकता है जब 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो। अच्छा, इसमें x ले लिया कॉमन, तो 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया। कोई भी ये ना सोचे कि भाई यहां से x कॉमन ले लिया और इसको यहाँ जीरो के नीचे डिवाइड में ले जाए, क्योंकि x एक वेरिएबल टर्म है, उसको मैं इस तरह से डिवाइड में नहीं ले जा सकता, उसकी ही तो मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। उसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, फिर वैल्यू किसकी निकालेंगे। तो आप ये देखिए, x into 2 minus x is greater than 0, ये कब होगा, अब देखिएगा, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो से बड़ा कब होगा, या तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर दोनों टर्म नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव होता है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये वही इन इक्वेशन में जैसे किया था लास्ट ईयर, एक्स इंटू टू माइनस एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब दोनों ही जीरो से बड़ा हो या तो, और एक्स लेस देन जीरो एंड टू माइनस एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड
यहां से क्या हो जाएगा कि माइनस एक्स ग्रेटर देन, ये टू इधर चला गया तो माइनस टू हो गया, और एक्स लेस देन जीरो एंड माइनस एक्स लेस देन माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जब नेगेटिव साइन हटाना होता है एक्स का तो थ्रू आउट साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस एक्स का हो गया प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन का हो गया लेस देन, ये माइनस टू का हो गया प्लस टू, और एक्स लेस देन जीरो एंड ये माइनस एक्स का प्लस एक्स, ये लेस देन का ग्रेटर देन, ये माइनस टू का प्लस टू। तो अब आप ये देखिएगा कि पहला वाला केस, पहले वाले केस की नंबर लाइन बनाकर समझ लो, इधर है जीरो इधर है टू, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा बड़ा, जीरो से आगे आगे, और टू से छोटा छोटा, टू से छोटा छोटा, तो ये तो ठीक है, फिजिबल है। और दूसरे की नंबर लाइन बनाओ, यहां पर है जीरो और यहां पर है टू, कि एक्स जीरो से छोटा छोटा, जीरो से छोटा छोटा और एक्स टू से बड़ा बड़ा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन ही नहीं है, एंड है। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? तो एक्स एक्स जीरो से छोटा हो और एक्स टू से बड़ा हो साथ साथ, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा नंबर है जो जीरो से छोटा भी हो और टू से बड़ा भी हो? तो नहीं ना। तो ये वाला केस तो हटा दीजिए। हमने कहा था, दोबारा से मैं समझाता हूँ, हमने कहा था कि देयर कैन बी टू केसेस, अगर x इंटू टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो करना है, देयर कैन बी टू केसेस कि x हमारा जीरो से बड़ा हो, यानी कि x पॉजिटिव हो और टू माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, या फिर x भी नेगेटिव हो और टू माइनस एक्स भी नेगेटिव हो, मतलब x भी लेस देन जीरो हो और टू माइनस एक्स भी लेस देन जीरो हो। तो इस वाले को, जो ये सेकंड वाला केस मैंने यहां सॉल्व करा, फिर इधर और फिर मैंने इसकी नंबर लाइन बनाई, तो ये वाला मेरे काम का नहीं है, समझ गए? क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो जीरो से छोटा भी हो और टू से बड़ा भी हो, समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको समझ में आ गया? तो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट एक ही आएगा बस, क्या कि एक्स शुड बी बिटवीन जीरो से टू, जीरो और टू के बीच में होगा, यानी कि डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। देख लीजिए एक बार, डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब इसके बाद हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.5। 6.5 का कौन सा वंश हो गया था? टेंथ, टेंथ था ना शायद। अच्छा, और बताइए बेटा, किसी और बच्चे ने कुछ करा हो? तो ट्वेल्थ, क्वेश्चन नंबर 12। बस आप एक मिनट रुकिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ ट्वेल्थ भी। ईशान, कोई डाउट्स हैं? क्लियर है सर, क्लियर है। एक मिनट रुकिए, बस अभी आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहा हूँ। देखिएगा, इसमें दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0, 2π। तो जो फंक्शन है वो दे रखा है x प्लस साइन 2x। On 0, 2π, 0, 2π पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेरे को बतानी है इस फंक्शन की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ये फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, f डैश एक्स करेंगे। तो f डैश एक्स इसका आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 और साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और cos 2x आ गया, फिर 2x को फर्दर करेंगे तो 2 आ गया, तो f डैश x हो गया 1 प्लस 2 cos 2x, इतना हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं कहूंगा कि put f dash x is equal to 0, f dash x को 0 के बराबर रखेंगे। क्यों? मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहता हूं इसलिए। तो 1 प्लस
टू कॉस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन को उधर ले गए तो टू कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, अब कॉस के ही टेबल में वन बाई टू कहां पर आता है बोलो, अरे बोलो भाई, कॉस के टेबल में वन बाई टू कहां आता है, सब पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, या एक काम करो सीधा 60 डिग्री बोलो, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो हमें पता है, लेकिन माइनस वाला जो टर्म है, इस माइनस वाले का क्या करें, जैसे हम ऐसा करेंगे जैसे कॉस टू एक्स है इज इक्वल टू माइनस कॉस, और फिर ना 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करेंगे, तो 90 का इवन मल्टीपल क्या, जैसे मान लीजिए 90 का पहला इवन मल्टीपल क्या हो गया 90 इंटू टू, 180 में से क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि अंदर 60 आ जाए, अरे बातें नहीं भाई प्लीज, 180 में क्या करें ऐड या सब्ट्रैक्ट, माइनस 120, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस 120, तो कॉस 2x कितना हो गया। अब चेक करो जब 90 इंटू टू में कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम कहां जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट्स टेक, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है तो कॉस तो नेगेटिव रहेगा, तो ये पहले से एक माइनस था, और क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से एक माइनस और आ गया, फिर हमने एंगल किया है यहां पर माइनस 120, तो लिखो अच्छा 90 इंटू टू है, 90 इंटू टू मतलब इवन नंबर है, इवन मल्टीपल है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और एंगल आ गया माइनस का 120 डिग्री, यहां तक समझ गए, ठीक। तो अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस के आगे अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये हो गया कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कॉस, हाँ क्योंकि कॉस माइनस थीटा लिखा हुआ था, तो माइनस जो है वो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस खत्म हो गया, कॉस 120 हो गया सीधा सीधा, साइन होता है तो बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे टेन माइनस थीटा होता है तो भी माइनस टेन थीटा हो जाता है वो, ठीक है, याद है ये। अब देखो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस 120 हो गया, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने जैसे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का क्या देखा था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का क्या होता है बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है उसका, बताओ भाई आदित्य, तुम्हें तो याद था, बस tan का ही याद था, चलिए देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, इसका सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका सॉल्यूशन ये होता है। तो यहां पर हम ये कहेंगे सिंस cos 2x इज इक्वल टू cos 120, तो ये जो 2x है इट इज एक्टिंग लाइक थीटा, और जो 120 है इट इज एक्टिंग लाइक अल्फा, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 120 डिग्री, मुझे 2x से मतलब नहीं है, मुझे तो x निकालना है, तो x लेते हैं, इधर लेकर चले जाओ इसको 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 120 डिग्री अपॉन 2, नहीं नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें क्या करना है कि जैसे यहां पर दे रखा है जीरो से टू पाई, तो जीरो से टू पाई क्या है ना, चार क्वाड्रेंट्स की वैल्यू होगी, मतलब चार क्वाड्रेंट्स में हमारा कॉस टू एक्स माइनस वन बाई टू कहाँ कहाँ पर आ सकता है, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाना जरूरी है, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे क्या है, यहां तो जीरो से टू पाई दे रखा, हो सकता है किसी में जीरो से थ्री पाई दे रखा हो या फोर पाई दे रखा हो, तो कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है सर। एक दिन जनरल फॉर्मूलास की क्लास ले लीजिएगा सर, ठीक है मैं लेता हूँ,
ठीक है, एक दिन जनरल जनरल फॉर्मूला की एक क्लास ले लूंगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर शायद पढ़ा नहीं था ना ये। हाँ तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, इनवर्स में करवा दूंगा। हाँ इनवर्स तो हमने करा नहीं है, उसमें करवा दूंगा बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब क्लास लेंगे ना उसमें करवा दूंगा, ठीक ओके है। और सर, ओके बाई चांस सर, मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना मुझे। अब देखो, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 60 डिग्री, हम ये कहेंगे फॉर, अच्छा एन यहां पर लेते हैं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, तो फॉर एन इज इक्वल टू 1। अरे क्या हो गया, अरे इनवर्स की प्रॉपर्टीज। हाँ नहीं है, ठीक है करवा दूंगा, करवा दूंगा। देखिए फॉर एन इज इक्वल टू 1, मैं कह रहा हूँ चलो अगली क्लास में करा देंगे, अगली क्लास जनरल फॉर्मूला की रखते हैं ताकि दिमाग से निकले ही ना, ठीक। फॉर एन इज इक्वल टू 1, जब एन की वैल्यू 1 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू पाई प्लस माइनस 60 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस 60 डिग्री, एक तो ये हो गया, और एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस 60 डिग्री, पाई होता है 180, तो 180 प्लस 60 कितना हो गया, 240, और ये क्या हो गया 120। 240 और 120 दोनों ही वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, तो दोनों वैल्यू को ले लेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ गए, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए ना ये। भाई ये सारी की सारी कहानी आई कहाँ से है, ये कर किस लिए रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा है। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर क्यों रखा है, क्योंकि मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये है कि मेरे पास रेंजेस आ जाएंगी कि किस रेंज में वो मैक्सिमम होगा, कहाँ पर वो मिनिमम होगा, कहाँ वो इंक्रीज करेगा, कहाँ वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो चाहे मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना हो, चाहे मैक्सिमम मिनिमम करना हो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो हमने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर देखा कॉस 2x इज इक्वल टू -1/2, अरे ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। तो अब यहां से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करी है, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 60 डिग्री, ये क्या आया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, लेकिन ये आया है एक इक्वेशन की टर्म्स में जहां पर n वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं n की वैल्यूज डाल डाल कर देखूंगा, तो n की वैल्यू सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, n होता है पॉजिटिव इंटीजर, एन की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पाई प्लस माइनस 60 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस 60 और पाई माइनस 60, पाई यानी कि 180, 180 प्लस 60 240, और 180 माइनस 60 कितना हो गया 120, एक तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एन की वैल्यू 2 लेकर देखता हूँ, अब एन की अगली वैल्यू लेकर देखते हैं 2, कारण समझ गए ना, फॉर एन इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू पाई प्लस माइनस 60, तो 2 इंटू पाई कितना हो गया 360 प्लस 60, और एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 60, ये तो नहीं लेंगे, 360 प्लस 60 तो 2 पाई से बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, देयर आर थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो हो गया 120 डिग्री, एक हो गया 240 डिग्री, और एक हो गया 300 डिग्री। अब क्या करो, जैसे हमने एफ डैश एक्स निकाला था, अब एफ डबल डैश एक्स निकालो, मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं ना, तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स यहां पर गया 1, तो 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, प्लस 2 विल रिमेन एज इट इज, कॉस 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस का साइन 2x, और फिर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा 2, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2, 2 जा 4 इंटू माइनस, माइनस 4 हो गया, माइनस 4
इंटू साइन टू एक्स, ये हो गया एफ डबल डैश एक्स। अब इसकी वैल्यू देखेंगे अलग अलग उस पर, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं देखता हूँ 120 डिग्री पर, एफ डबल डैश 120 डिग्री, माइनस फोर साइन टू इंटू 120 डिग्री, तो माइनस फोर साइन 240 डिग्री, माइनस फोर साइन, अब 240 को आप 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें तो 91 90 92 180 93 270, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो छोटी वाली ले लो, 92 180 होता है, 180 में 60 ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब देखिए 90 इंटू टू में कुछ ऐड को ऐड हो रहा है, तो वी आर मूविंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस फोर और फिर यहां पर लग गया एक माइनस का साइन, 90 इंटू टू है, टू का मतलब इवन नंबर, इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये 60 डिग्री एज इट इज आ गया यहाँ पर, समझ गए। अब साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, माइनस फोर इंटू माइनस रूट थ्री बाई टू, प्लस का फोर इंटू रूट थ्री बाई टू, ग्रेटर देन जीरो, ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा मिनिमा, मिनिमा बस ये लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है 120 डिग्री, फिर 240 डिग्री पर निकालेंगे, एफ डबल डैश सर हम इसमें जीरो और टू पाई को काउंट नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ये बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में मुझे क्या देखना होगा कि इन्होंने ये नहीं बोला कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, इन्होंने कहा है मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसका मतलब मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी बताऊंगा, तो जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू है वो भी बता देंगे, और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है वो भी बताएंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली कुछ नहीं दे रखा तो सारी चीज बता देंगे हम इसमें, समझ गए। हाँ जीरो रखने पर, हाँ नहीं नहीं जीरो एक्स की मिनिमम वैल्यू है और टू पाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि जीरो पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है ना इसमें पूरे फंक्शन में, तो जरूरी नहीं है कि जीरो पर मिनिमम वैल्यू ही आए, ठीक है। तो इस वजह से मैं सारी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको मिनिमम बोल देंगे, लेकिन वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा जैसे 120 डिग्री पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है ना, तो इस पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा, मतलब जब मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन में 120 डिग्री रखकर जो वैल्यू आएगी उसको मैं लोकल मिनिमम वैल्यू ही बोलूंगा, बिकॉज ये मिनिमा का पॉइंट आया है, तो उसको मैं लोकल मिनिमम वैल्यू बोलूंगा, समझ गए। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं है इन्होंने कि लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम निकालनी है या एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालनी है, ये कुछ नहीं कहा, तो मैं लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम सब निकाल दूंगा इसमें, ठीक है। अब देखिए जैसे एफ डबल डैश 240 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे, यहां वैल्यू डालो माइनस फोर साइन टू इंटू एक्स की जगह 240 डिग्री, माइनस फोर साइन 480 डिग्री, ये हो गया माइनस फोर साइन 90 के मल्टीपल्स, देखिए 95 सा होता है 450 प्लस 30 डिग्री, 90 इंटू 5 ये कहां पर होगा, आप ऐसे कर लो इसको, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, तो इसको क्या बोलूंगा 90 इंटू 1, ये 180 है, तो इसको क्या बोलेंगे 90 इंटू 2, इधर 270 तो 90 इंटू 3, ये 360 तो 90 इंटू 4, इसका मतलब ये 90 इंटू 5 हो जाएगा, 90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये साइकिल चलती जाएंगी, 90 इंटू 5 कहाँ आएगा फिर 4 के जस्ट बाद, 90 इंटू 5
90 इंटू 5 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम कहाँ आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, माइनस 4 तो बाहर है और ये पॉजिटिव। फिर 90 इंटू 5, 5 क्या है, इवन या ऑड? ऑड है, ऑड है तो साइन का कॉस हो जाएगा और 30 डिग्री, कॉस 30 होता है रूट 3 बाई 2, बाहर माइनस 4 है तो माइनस 4 रूट 3 बाई 2, ये क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। तो जो फंक्शन था, फंक्शन क्या था हमारा, x प्लस साइन 2x, उसमें अगर आप 240 डिग्री डालोगे वैल्यू तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही आप 300 डिग्री के लिए करें, फिर ऐसे ही 0 के लिए और 2 पाई के लिए भी करो, तो सारी वैल्यूज निकालनी होगी इसमें। सभी को क्लियर है इतना? हाँ नहीं, ठीक है, बस तो इतना कर लीजिए आप, और जो भी आगे आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो डाउट है बेटा पूछना मेरे से। गुड इवनिंग, ठीक है, आज के लिए फिर थैंक यू सर। ओके, हाँ आज एक्स्ट्रा क्लास, फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है।